हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल सिंह राजपुरोहित, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी सिरोही। इस वीडियो लेक्चर के सीरीज़ में सीएस 208 माइक्रोप्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स 207 माइक्रोप्रोसेसर सब्जेक्ट का जो यूनिट है इंट्रोडक्शन का, जो टॉपिक है हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रोप्रोसेसर डेवलपमेंट पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, तो ये आता है कि माइक्रोप्रोसेसर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरह से ये माइक्रोप्रोसेसर डेवलप हुआ। तो फर्स्ट है ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड इन 1948 बाय बेल लेबोरेटरी। तो 1948 में ट्रांजिस्टर जो जो बेसिक एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, बेसिक डिवाइस है ट्रांजिस्टर, उसका इन्वेंट हुआ, आविष्कार हुआ 1948 में, बेल लैब है इसके द्वारा। उसके बाद आईसी वाज इन्वेंटेड इन 1958 बाय टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जे किलबाई। तो 1958 में जो आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी क्या होता है, आईसी एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिस पे क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को उस पे बिल्ड किया जाता है, एक चिप भी बोलता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसी चिप को चिप नाम से भी इसको कह सकते हैं। इसका इन्वेंट किसने किया था, इन्वेंट किया था जे किलबाई ने, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट 1958 में। तो पहले ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर से ट्रांजिस्टर मिलकर आईसी बनाया। तो आईसी क्या होता है, एक तरह का ये बोर्ड होता है, एक चिप होती है ब्लैक कलर की, आपने देखी होगी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को अगर आप खोलते हो तो ब्लैक कलर की चिप मिलती है, वो आईसी कहलाती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें बहुत सारे लाखों के संख्या में ट्रांजिस्टर इनबिल्ट होते हैं, वो अंदर से एक सर्किट डेवलप करते हैं, ठीक है, और वो एक आईसी का रूप लेता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांजिस्टर्स आया 1948 में बेल लेबोरेटरी के द्वारा, उसके बाद 1958 में जो जॉन किलबे था उसने आईसी का इन्वेंट किया, आविष्कार किया। उसके बाद फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर वाज इन्वेंटेड बाय इंटेल। इंटेल जो हमारा जो कंपनी है, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटेल की फुल फॉर्म है, इंटेल की जो माइक्रोप्रोसेसर वगैरह जो आइटम आते हैं उसकी फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन 1971 बाई टेड ऑफ एंड स्टैनली मेजर। तो जो दो साइंटिस्ट थे, टेड ऑफ और स्टैनली मेजर, ने 1971 में फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर को डेवलप किया, और वो किस कंपनी में काम करते थे, इंटेल में, ठीक है। तो फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर 1971 में आया था, 1971 में। इन 1971 द फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4004, जो उस प्रोसेसर का क्या नाम था जो इंटेल ने बनाया था, 4004 वाज इन्वेंटेड। इट हैज़ ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ए कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर बेस सिस्टम एंड क्लॉक टू परफॉर्म कंप्यूटेशनल टास्क। तो जो फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर जो था 1971 में, इंटेल का 4004, उसकी क्या क्या उसमें विशेषता थी, इसके अंदर एक ALU था, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट थी, कंट्रोल यूनिट था, रजिस्टर था। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बता दिया था कि कंट्रोल यूनिट क्या काम करती है, ALU क्या करता है और रजिस्टर्स क्या करते हैं। बस सिस्टम था, क्लॉक और क्लॉक परफॉर्म कंप्यूटेशनल टास्क, तो ये इसकी कुछ विशेषता थी। तो माइक्रोप्रोसेसर में जैसा कि मैंने बताया था, ALU करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जितने भी होते हैं वो ALU यूनिट परफॉर्म करती है। कंट्रोल यूनिट का काम माइक्रोप्रोसेसर में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का होता है। रजिस्टर एक ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है जो एक मेमोरी एलिमेंट है, मेमोरी डिवाइस कह सकते हैं हम, जो क्या करता है, रिजल्ट जो टेम्परेरी रिजल्ट है उसको स्टोर करके रखता है। बस सिस्टम क्या करता है, बस जैसे बस का क्या काम होता है, बस में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना ले जाने के लिए बस का यूज़ होता है, इसी तरह से माइक्रोप्रोसेसर में बस सिस्टम क्या काम करता है, जो डेटा होता है एक जगह से दूसरी जगह, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में ले जाने का कार्य कौन करता है, बस करती है। तो इसमें भी बसेज हैं, बसेज एक्चुअली क्या होती है, नंबर ऑफ वायर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वायर्स, उस वायर के थ्रू सब डेटा, जो बाइनरी डेटा आपका 10 उस फॉर्म में वो ट्रांसमिट होता रहता है। क्लॉक होता है, क्लॉक एक्चुअली क्लॉक क्या होता है कि किस स्पीड से डेटा जाएगा, किस स्पीड से माइक्रोप्रोसेसर अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, कि मतलब किस तरह से कंप्यूटेशन टास्क प्रोसेस करता है, वो डिपेंड करता है उसकी क्लॉक की स्पीड पे। तो जितनी ज़्यादा हाई स्पीड की क्लॉक होगी, क्लॉक एक तरह का स्क्वायर वेवफॉर्म होती है, ठीक है, तो एक स्क्वायर वेवफॉर्म होती है जिसके जितनी फास्ट स्क्वायर वेवफॉर्म है उसी की स्पीड से आपका माइक्रोप्रोसेसर काम करता है। जो फर्स्ट आपका जो 4004 था, इसमें ये कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन थे, ये है इंडेक्स है टेबल में, ये है इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। ये जो पूरी शीट जो इसे देख रहे हो इस स्लाइड में, ये इंटेल के प्रोसेसर है सारे।
तो इंटेल के प्रोसेसर फर्स्ट कौन सा आया था, 4004, ठीक है। ये कब आया था इंट्रोड्यूस, 1971 में। इसमें कितने डेटा बस कितने की थी, ये 4 बीट की। तो डेटा बस क्या, जैसे 4 बीट की डेटा बस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइक्रो प्रोसेसर एक साथ में 4 बीट के डेटा को प्रोसेस कर सकता है, मतलब एट ए टाइम वो 4 बीट के डेटा को क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। प्रोसेस में क्या हो गया, रीडिंग कर सकता है, राइट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, फेच कर सकता है, जितने भी ऑपरेशन करेगा वो एक साथ सिर्फ 4 बीट के साथ ही करेगा, इससे ज़्यादा बीट को वो एक्सेस नहीं करेगा। अगर 8 बीट का कोई डेटा है तो वो 2 भागों में करेगा, पहले 4 बीट को करेगा, उसके बाद सेकेंड 4 बीट को करेगा। तो इस तरह से जो इसकी जो डेटा बस थी वो 4 बीट की थी, और जो मेमोरी एड्रेस कैपेबिलिटी है 1 KB, इसका अर्थ ये हुआ कि ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर तो कोई मेमोरी होती नहीं है, इसके साथ में हमको मेमोरी कनेक्ट करनी पड़ती है ना, रैम या रोम जो भी हम साथ में कनेक्ट करते हैं, तो उसकी कैपेसिटी है मेमोरी एड्रेस तक 1 KB, मतलब 1 KB के मेमोरी लोकेशन को ये एड्रेस कर सकता है। ये प्रोसेसर 4004 की स्पेसिफिकेशन था। फिर इंटेल ने लाया 8008, ये 1972 में आया। ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 40 पिन लिखा, मतलब जो आईसी थी, आईसी के अंदर कितनी पे आईसी जो होती है ना उसमें 40 पिन है, एक से लेकर 20 इस तरफ होती है, 20 इस साइड में होती है। तो ये 8008 1972 में बना, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, 40 पिन आईसी है, 16 KB की मेमोरी लोकेशन को वो एड्रेस कर सकता है। अब यहाँ पे 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ये इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो 8008 माइक्रो प्रोसेसर है वो एट ए टाइम एक साथ 8 बिट के डेटा को रीड राइट या एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और 16 KB इसकी मेमोरी कैपेसिटी है, इसका अर्थ ये हुआ कि 16000 K, मतलब K का अर्थ कितना होता है, 10^3 किलो, तो 16 मतलब 16000 मेमोरी लोकेशन को वो क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है, मतलब उसकी उतने तक आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। 16 KB की मेमोरी लगती थी इसके साथ में मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हम 8008 में 16 KB से ज़्यादा नहीं लगा सकते, बस मैक्सिमम इसकी स्पीड कैपेसिटी कितनी थी, 16 KB की। उसके बाद आया इंटेल का 8008 1973 में, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, 8 बिट का डेटा एक्सेस करता था, लेकिन इसके साथ जो अटैच होती थी जो मेमोरी वो 16 KB कैपेबिलिटी था, 16 KB की थी। इसके बाद 8085, ये जो माइक्रो प्रोसेसर है 8085, यही हमारा पूरा इस पूरे सब्जेक्ट में हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सबसे बेसिक माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें लगभग सारे फंक्शन होते हैं, जो बेसिक फंक्शन जो होते हैं एडिशन वगैरह, इसलिए हम जो स्टडी के लिए जो यूज़ करते हैं वो 8085 है, 8085। तो जो हमारा जो ये पूरा सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर, इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर हम जो पढ़ेंगे, जिसकी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, वो कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है, 8085, जो इंटेल ने बनाया था 8085। ये कब बनाया था, 1976 में। इसकी क्या खासियत थी, डेटा बस 8 बिट की थी, 40 पिन की आईसी होती है, ये 64 KB की मेमोरी को क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। मतलब ये सिंपल भाषा में ये कहें कि इस माइक्रो प्रोसेसर के साथ में 64 KB की मेमोरी लग सकती है, इससे ज़्यादा की मेमोरी आप इसके साथ जोड़ नहीं सकते, इससे कम जोड़ सकते हो लेकिन 64 से ज़्यादा हम इसके साथ अटैच नहीं कर सकते। इसकी क्लॉक स्पीड भी दे रखी है 8 से 6 MHz। तो ये क्या है? मैंने बताया था क्लॉक क्या होता है, स्क्वायर वेवफॉर्म होती है, फास्ट मूविंग स्क्वायर वेवफॉर्म है ये, जो क्या करती है, इसके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो इसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म होते हैं क्लॉक के साथ ही। तो जितनी हाई स्पीड की क्लॉक होगी उतनी ज़्यादा उस माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड होती है। तो ये 8 to 6 MHz का आप इसमें इसके साथ क्लॉक लग सकती है, और जो हमारा सब्जेक्ट 8085 पे पूरा डिपेंड है। अब एक क्वेश्चन एरेज होता है हमारे दिमाग में कि हमने 8085 की स्टडी क्यों करते हैं, इसके बाद वाले की क्यों नहीं करते हैं, इससे पहले वालों की माइक्रो प्रोसेसर की स्टडी क्यों नहीं करते हैं। तो रीज़न यही है कि 8085 से जो पहले जो माइक्रो प्रोसेसर थे उनमें इतनी ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म करने की क्षमता नहीं थी, मतलब इनमें ज़्यादा कैपेसिटी के नहीं थे, वो ज़्यादा ऑपरेशन नहीं करते थे, छोटे मोटे ऑपरेशन कंप्यूटर एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करते थे। लेकिन जो 8085 में लगभग 246 इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब मैं कहूँ तो 74 इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, 74 तरह के ऑपरेशन ये परफॉर्म कर सकता है। तो ये एक समझने के लिए और बहुत ईजी रहता है, और ये सबसे बेसिक माइक्रो प्रोसेसर है। अगर आपने इसकी प्रोग्रामिंग सीख ली है तो उसके बाद जितने भी हाई इम्प्रूव वर्जन है, अपडेटेड वर्जन जो है माइक्रो प्रोसेसर के, उसकी प्रोग्रामिंग भी आप इसके द्वारा ही धीरे धीरे समझ सकते हो। तो ये सबसे बेसिक है 8085। अगर आपको इससे भी ज़्यादा एडवांस माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको पहले 8085 की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए।
इसलिए हम इसकी स्टडी करते हैं। इसके बाद के प्रोसेसर की भी क्यों नहीं लेते हैं कि इसके बाद जो प्रोसेसर जो बने वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, इनमें ऑपरेशंस तो ज़्यादा थे, कैपेसिटी भी उनकी ज़्यादा थी इनके बाद आए हुए माइक्रो प्रोसेसर की, लेकिन दिक्कत यह थी कि एकदम से अगर आप हाई लेवल की प्रोग्रामिंग सीखोगे तो वो एकदम से आप समझ नहीं पाओगे, या फिर इसमें यह होता है कि इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस इतने ज़्यादा है कि इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए लर्निंग पर्पज़ के से जो हमारे सब्जेक्ट में है वो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, ये समझने के लिए ईजी रहता है, इसलिए तो ये पूरा 8085 भी हमारे पूरा सब्जेक्ट है। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आया 8086, ये एडवांस माइक्रो प्रोसेसर में आ जाता है, ये 1988 में डेवलप हुआ इंटेल द्वारा, 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, 40 पिन आईसी होता है, इसकी जो कैपेसिटी है 1 MB की है, मतलब 1 MB तक आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, 5 से 10 मेगाहर्ट्ज़ की इसमें क्लॉक लगती है। फिर आया 80286 1982 में, ये 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, एक साथ 16 बिट को रीड करता है, 68 पिन भी बढ़ गई इसकी, डेटा ये भी बढ़ गया, इसके साथ मेमोरी 16 MB यूज़ कर सकते हैं, ये भी कर, क्लॉक की स्पीड कितनी है 6 to 12.5 MHz। फिर 80386 ये आया 1985 में, 32 बिट की थी, फिर 132 पिन इसके साथ लगती, आईसी की पिन कितनी थी, पिन मतलब इसके जो पैर होते हैं आईसी के पिन होती है वो कितनी है, 132 थी, 4 GB जो आपका 80386 जो माइक्रो प्रोसेसर है इसके साथ कितनी मेमोरी आप जोड़ सकते थे, 4 GB की, और इसकी जो क्लॉक स्पीड कितनी है 22 से 33 MHz, मतलब इसमें 22 से 33 MHz इसकी स्पीड बढ़ गई, मतलब अब इस माइक्रो प्रोसेसर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो भी ज़्यादा है। फिर इसके बाद 80486 आया 1989 में, 32 बिट, 168 इसकी पिन थी, 4 GB थी करेक्ट, 26 से 100 MHz का क्लॉक था। फिर पेंटियम सीरीज़ आई, पेंटियम इंटेल की सीरीज़ है, हमने देखा अगर थोड़े पुराने कंप्यूटर अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर जो प्रोसेसर लगे आप देखने को मिल जाएंगे, पेंटियम 4, पेंटियम 3, तो पेंटियम सीरीज आ गई 1993 में, ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर थे, 168 इसमें पिन थी, 4 GB इसके साथ अटैच की सकते थे, 100 से 150 इसकी क्लॉक सिग्नल थी। अगर मैं इस पूरे इंडेक्स को एक साथ अगर मैं देखूं तो आप देखोगे जैसे जैसे इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर अपने बनाने शुरू किए 1971 से, तब देखो एक तो इसकी डेटा बस की जो कैपेसिटी वो बढ़ गई, पहले 4 बिट का था, फिर 8 बिट का था, 16 बिट का, अब 32 बिट, अब जो आजकल जो नए जो प्रोसेसर आ रहे हैं कंप्यूटर में हम देखेंगे लैपटॉप में, i3 i5 i7, ये 64 बिट के होते हैं, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे इसकी जो डेटा बस की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अगर जितने ज़्यादा बिट का माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, उतनी जल्दी वो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। एक तो ये था कि 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसमें क्या होता था कि वो सिर्फ 4 बिट एक साथ वो रीड कर सकता था, उसके अगली 4 बिट को रीड करने के लिए वापस सेकेंड टाइम रीड करेगा, तो 4 बिट के समूह को रीड करता था। अब एक साथ ही अगर 64 बिट को अगर रीड करने वाला कोई मिल जाए तो वो एक साथ कितने बिट, मतलब 4 बिट मतलब कम से कम कितने गुना इसमें फास्ट वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है। इसी के साथ आप देखोगे तो इसमें जो पिन थी पहले 40 पिन, फिर 68 132, इसे इसकी जो पिन है वो भी धीरे धीरे बढ़ती गई है। फिर इसकी मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी, पहले देखो आपका जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है वो 1 KB की मेमोरी को सपोर्ट करता था सिर्फ, आपका 85 कितने का 16 KB को सपोर्ट करता है, अब जो आगे माइक्रो प्रोसेसर वो न जाने बहुत ज़्यादा मतलब 128 GB इम्प्रूव वर्जन आ गया बहुत ज़्यादा, तो इसमें जो एड्रेसिंग कैपेसिटी है मेमोरी की वो भी इंक्रीज हुई है, ठीक है। और उसके बाद है क्लॉक सिग्नल को भी अगर आप देखोगे तो ये भी धीरे धीरे बढ़ता गया है, पहले 8 से 6 मेगाहर्ट्ज़ का क्लॉक था, अब ये 100 MHz, आजकल तो आप जो अगर कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो लिखा होता है 1.2 GHz ऐसे लिखा आएगा, जब आप कोई भी सिस्टम ऑन करते हो कंप्यूटर का तो 1.2 GHz जैसा कुछ लिखा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसकी क्लॉक की स्पीड कितनी है 1.2 GHz, मतलब पहले सिर्फ 8 से 6 मेगाहर्ट्ज़ का था, अब ये क्लॉक गीगाहर्ट्ज़ में चली गई, मतलब अब इसकी धीरे धीरे इसकी क्लॉक की स्पीड बढ़ गई है, और जितनी ज़्यादा क्लॉक की स्पीड होती है उतनी ही उसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होती है, उतना कम आपका सिस्टम हैंग होता है। तो ये कुछ बातें थी इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड। अब जो माइक्रो प्रोसेसर की जो जनरेशन है उसको हमने 5 भागों में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, उसके बिट के आधार पर हमने कि कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है उसके आधार पर हमने 5 जनरेशन बनाई है माइक्रो प्रोसेसर की जो डेवलप हुआ है धीरे धीरे जिस तरह से विकसित हुआ है। तो पहली जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ये 4 बिट जनरेशन भी बोल सकते हैं इसको, कौन सी बिट, 4 बिट, मतलब
कि इस जनरेशन में सिर्फ 4 बिट के माइक्रो प्रोसेसर आए, ठीक है, 4 बिट के डेटा को सिर्फ रीड कर सकता था, इतना कम कैपेसिटी करते हैं। तो ये इसकी जो फर्स्ट जनरेशन है वो कब से कब तक थी, फ्रॉम 1971 टू 1972। इसमें आपका इंटेल का 4004 जो था मैंने बताया था वो माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। इसके बाद इंटेल के अलावा बहुत सारी और भी कंपनी जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, रॉकवेल है, मोटोरोला है ना, फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर भी प्रोसेसर बनाती है, तो ऐसे, लेकिन फेमस ज़्यादा इंटेल है, लेकिन ऐसे बहुत सारी कंपनी जो माइक्रो प्रोसेसर डेवलप करती है। इंटेल का 8008 ये भी 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था ना। इन 1971 इंटेल क्रिएटेड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004 दैट वुड रन ए क्लॉक स्पीड 108 किलोहर्ट्ज़ विद अ 4 बिट एज वर्ड साइज ना। तो 4004 जो था वो 108 किलोहर्ट्ज़ क्लॉक पे और 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। लेकिन जो ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था आपका 4004, ये इतना प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होता था। रीज़न ये था कि इसकी जो अर्थमेटिक ऑपरेशन कोई परफॉर्म नहीं करता था, ये एक सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर जो बनाया इन्होंने 4001 पहला, ये कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन तो नहीं करता था, लेकिन ये कंट्रोलिंग का काम करता था सिर्फ। क्योंकि इसमें ALU CU वगैरह लगी थी तो इसको, इसके लिए इसका नाम माइक्रो प्रोसेसर दिया गया, और इसमें कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं पॉसिबल थी इस पहले माइक्रो प्रोसेसर में, लेकिन ये कंट्रोलिंग का काम छोटा मोटा कर देता था, इसलिए इसको फर्स्ट जनरेशन की कैटेगरी में, माइक्रो प्रोसेसर की कैटेगरी में डाला गया है। ये 1971 से 1972 तक था 4 बिट के माइक्रो प्रोसेसर जितने भी थे वो फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर कहलाते हैं। उसके बाद सेकंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, ये आपका कब से था, 1973 से लेके 1978 तक। तो ये सेकंड जनरेशन वाले जो है वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। जितने भी 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर है जो 8 बिट के डेटा को रीड राइट और एक्सेस कर सकते हैं वो सेकेंड जनरेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो 1973 से 1978 का जो ये समय था 5 साल, इसमें जो भी माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट से रिलेटेड थे वो सारे सेकेंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर होते थे। इसके बाद इसमें जो इसका जनरली इसका माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल 8088 वाज द फर्स्ट कमर्शियल पॉपुलर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। यह इंटेल का जो 8080 जो माइक्रो प्रोसेसर था, फर्स्ट कमर्शियल जो नॉर्मली यूज करने वाला माइक्रो प्रोसेसर था 8 बिट का प्रोसेसर, लाइक इंटेल 8085 जो हमारा इस सब्जेक्ट जिससे रिलेटेड 8085, ये भी किस कैटेगरी किस जनरेशन का है, सेकंड जनरेशन का, क्योंकि ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। तो ये जो हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ये सेकंड जनरेशन से रिलेटेड है, ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। इसके अलावा इंटेल के अलावा मोटोरोला ने भी 6800 बनाया था 8 बिट का, फिर 6801, इस तरह के कुछ माइक्रो प्रोसेसर इस सेकेंड जनरेशन में एग्जिस्ट करते थे। थर्ड जनरेशन क्या होती थी, कब से कब तक है, ये 1979 से लेकर 1980, 2 साल का ये जनरेशन है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन 4 बिट की थी, सेकेंड जनरेशन 8 बिट की, थर्ड जनरेशन 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर। तो जितने भी 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं वो थर्ड जनरेशन से रिलेटेड है, जिसमें कौन कौन से आ गए आपके, इंटेल का 8086 ये एडवांस माइक्रो प्रोसेसर है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थर्ड ईयर में ये पढ़ते हैं, 8086 इसका एडवांस वर्जन है। इसके बाद 80186, 80286 ये मोटोरोला ने भी ये 2-3 माइक्रो प्रोसेसर है, 68000, 68010 ये मोटोरोला से थर्ड जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर है। तो मेन खासियत तो यही थी कि ये 16 बिट के होते थे सारे। एक चीज़ और है इसमें जो आईसी जो थी थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, वो हाई एचमोस टेक्नोलॉजी से बनती थी। जो आप जो सेकंड जनरेशन की बात करूँ 8085, वो एनमोस से रिलेटेड थी। एनमोस मतलब एन चैनल मॉसफेट जो होते थे, उससे एन चैनल के मॉसफेट ट्रांजिस्टर थे, उनसे वो आईसी बनती थी। ये अब जो थर्ड जनरेशन की जो आईसी है आपकी माइक्रो प्रोसेसर वाली, ये एचमोस टेक्नोलॉजी से बनती है। एच का मतलब है हाइब्रिड, मोस मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसकी फुल फॉर्म ये एचमोस की, हाइब्रिड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर है हाइब्रिड टाइप का, हाइब्रिड मतलब जिसमें एन चैनल पी चैनल दोनों एक साथ यूज़ किया जा सकता है। तो थर्ड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी जो ट्रांजिस्टर की जो अंदर इनबिल्ट उसको फैब्रिकेट करने की जो टेक्निकल टेक्नोलॉजी आई थी वो एचमोस टेक्नोलॉजी थी। तो अब जो थर्ड जनरेशन था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर आने लग गए थे और कंट्रोलिंग एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे।
स्पीड ऑफ दोज माइक्रो प्रोसेसर वर 4 times बेटर देन द सेकेंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। इसकी जो स्पीड थी थर्ड जनरेशन वालों की वो 4 गुना ज़्यादा थी माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि इसकी क्लॉक स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई होती थी। तो ये आपके थर्ड जनरेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन वाला किस कैटेगरी में आएगा अब आपके, जो 32 ना, इसे आप बीट के आधार पर देख लो, पहला 4 था 8 था फिर 16 आया, 16 के दुगना 32, तो 32 बीट के जितने भी माइक्रो प्रोसेसर वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं फोर्थ जनरेशन। और इसका जो ड्यूरेशन है कब से कब तक ये बनते थे, 1981-1995 का जो समय था 15 साल का, इसमें जो 32 बीट के माइक्रो प्रोसेसर बनते थे वो सारे फोर्थ जनरेशन वाले माइक्रो प्रोसेसर कहलाते थे। इसमें भी जो आईसी में जो ट्रांजिस्टर फैब्रिकेट होते थे वो एचमोस टेक्नोलॉजी से होते थे, ठीक है। इंटेल 80386 एंड मोटोरोला 68020 आर द सम ऑफ द पॉपुलर प्रोसेसर ऑफ दिस जनरेशन। ये दो प्रोसेसर हैं इंटेल का मोटोरोला के, ये पॉपुलर थे इस फोर्थ जनरेशन के रेंज में। फिर लार्ज रेंज फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अब इस फोर्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड भी ज़्यादा हो गई है, इसकी कैलकुलेशन जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ गई है, तो ये अर्थमेटिक लॉजिकल जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते थे ये प्रोसेसर परफॉर्म करता था। इट इज़ एक्सट्रीमली फास्ट इन परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड कैलकुलेशन एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। इस तरह के माइक्रो प्रोसेसर ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते थे जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते थे। तो ये आपके हो गए फोर्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर। अब जो लास्ट कैटेगरी आपकी माइक्रो प्रोसेसर की डेवलपमेंट की वो है फिफ्थ जनरेशन। फ्रॉम 1995 टू अभी तक जितने जो भी चल रहे हैं वो पांचवी जनरेशन है। अब जितने भी 1995 से लेकर अभी तक जितने भी 2020 जो भी चल रहा है अब तक के सारे माइक्रो प्रोसेसर इस फिफ्थ जनरेशन से रिलेटेड है। इसमें सब आप देखोगे तो कितने बीट के माइक्रो प्रोसेसर आएंगे, 64 बीट के माइक्रो प्रोसेसर आते थे, जिसमें पेंटियम 64 बीट के माइक्रो प्रोसेसर फिफ्थ जनरेशन से थे। पेंटियम इंटेल की पेंटियम सीरीज आ गई थी, सेलेरियन ड्यूअल क्वाड ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसमें आ गए थे। तो आप अगर आप पता हो तो पेंटियम की जो सीरीज थी पेंटियम वन पेंटियम टू पेंटियम थ्री पेंटियम फोर, इसके बाद आया था कोटू डियो करके आया था, उसके बाद ड्यूअल कोर, इसके बाद इसकी कोर कैपेसिटी बढ़ती गई है, ड्यूअल कोर आने लग गए, फिर क्वाड कोर आने लग गए माइक्रो प्रोसेसर, ड्यूअल कोर क्वाड कोर फिर ऑक्टा कोर। अभी तक ऑक्टा कोर के प्रोसेसर भी अगर आप देखोगे मोबाइल वगैरह आप जो भी आप परचेज करते हो या नया कोई लैपटॉप वगैरह लेते हो तो इसमें आप प्रोसेसर क्या देखते हो तो इसमें लिखा होता है ये इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर है ना, इसमें 8 इस तरह से ये 64 बीट के माइक्रो प्रोसेसर फिफ्थ जनरेशन से रिलेटेड थे। अब अगर लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर की बात करो अगर लैपटॉप कंप्यूटर्स में आते हैं वो इंटेल के i3 i5 i7 वगैरह ये लेटेस्ट में चल रहे हैं अभी। इनमें क्या कैपेसिटी होती थी, इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग इसमें पॉसिबल था फिफ्थ जनरेशन में। अलाउज मल्टीपल सीपीयूज इन सिंगल सिस्टम टू अचीव मल्टी प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता था एक ही सिस्टम के साथ एक से ज़्यादा सीपीयू आप कनेक्ट कर सकते, तो पहले तो एक कंप्यूटर के साथ एक सीपीयू लेकिन इसमें एक से ज़्यादा सीपीयू कनेक्ट कर सकते ताकि इस सिस्टम की क्या स्पीड बढ़ जाए। तो इसमें मल्टी प्रोसेसिंग होती थी, मल्टी प्रोग्रामिंग भी कर सकते थे ना, मल्टीटास्किंग इसमें स्टार्ट हो गई थी फिफ्थ जनरेशन में। जी ये डिस्कस हो चुका है कि 64 बीट के प्रोसेसर थे सेलेरियन ड्यूअल कोर ऑक्टा कोर प्रोसेसर, इसे 64 बीट के आने लग गए। तो अभी जो हमारा जो जनरेशन चल रही है माइक्रो प्रोसेसर वो कौन सी जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है ना। अब इसके कुछ एडवांटेजेस माइक्रो प्रोसेसर के क्या लाभ, मतलब एडवांटेजेस क्या है। एक तो माइक्रो प्रोसेसर जो आईसी जो होती है वो कॉम्पैक्ट साइज की होती है, पहली बात तो ये कॉम्पैक्ट साइज मतलब बहुत छोटी सी आकार की आईसी होती है और बहुत हाई स्पीड के और प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग वगैरह कर देती है। तो इसकी साइज कॉम्पैक्ट थी, हाई प्रोसेसिंग स्पीड है, बहुत सारे अर्थमेटिक और कॉम्प्लेक्स लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो सारे कंप्यूटर बहुत ही कुछ सेकंड में ही वो परफॉर्म या प्रोसेस कर देते हैं। इजी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस भी इसका कोई ज़्यादा नहीं है। कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स जो कठिन मैथमेटिक्स गणना है वो कंप्यूटर द्वारा हल की जा सकती है। फ्लेक्सिबल है, एक प्रोग्राम मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो एक प्रोसेसर की हो तो वो बाकी सबकी प्रोग्रामिंग एक जैसी होती है, ठीक है। तो हर प्रोसेसर टू प्रोसेसर इसकी प्रोग्रामिंग वेरी नहीं करती है, आजकल हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग होती है तो लगभग सभी प्रोसेसर की मिलती जुलती प्रोग्रामिंग, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं।
और ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ये मल्टीपर्पज़ डिवाइस है। मल्टीपर्पज़ का अर्थ है कि ये एक स्पेसिफिक कोई काम नहीं करता है, इसमें बहुत सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म करा सकते हो। अगर माइक्रो कंट्रोलर एक डिवाइस है, माइक्रो कंट्रोलर हम पढ़ेंगे, एक यूनिट है माइक्रो कंट्रोलर में। माइक्रो कंट्रोलर एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सिर्फ। इसमें जो प्रोग्रामिंग माइक्रो कंट्रोलर में करोगे, जो भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हो, वो एक तरह की कोई टास्क देते हो वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं वो एक से ज़्यादा वेरियस टाइप्स ऑफ टास्क को वो परफॉर्म करते हैं। ये मल्टीपर्पज़ डिवाइस होते हैं माइक्रो प्रोसेसर। कैन बी इम्प्रूव अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के आधार पर। हम माइक्रो प्रोसेसर आज बहुत ही तेज़ी से इसका इम्प्रूवमेंट चल रहा है। अब इसके धीरे धीरे 64-bit माइक्रो प्रोसेसर चल रहे हैं। अब जब इसका 64 के डबल कितना होगा, 128-bit। अब आने वाले माइक्रो प्रोसेसर 128-bit के होंगे, जो इससे भी हाई स्पीड के होंगे, वो आपका 6th जनरेशन में चले जाएंगे। तो जितने भी 64 तक चल रहे हैं अभी जो भी आ रहा है 64 ही आ रहा है, वो आपका 5th जनरेशन है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस है माइक्रो प्रोसेसर के। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस, तो चलो कुछ है इसमें। एक तो ये प्रॉब्लम थी, ओवर हीटिंग अकर्स ड्यू टू ओवर यूज़। अगर आप कोई भी सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम बेस्ड सिस्टम को आप ज़्यादा यूज़ करते हो, ओवर यूज कंटिन्यू चलाते हो, या कोई कंप्यूटर ज़्यादा, पता है वो सिंपल सी बात है, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कंटिन्यू चलेगा तो वो हीटिंग प्रॉब्लम करेगा ही। और हो सकता है अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कंटिन्यू चलता है तो वो ख़राब भी हो जाता है जल्दी हीटिंग प्रॉब्लम से। तो माइक्रो प्रोसेसर के साथ हीटिंग प्रॉब्लम भी जनरली अब देखने को मिलेगी। अगर आप लंबे समय तक कोई कंप्यूटर ऑन रखते हो कंटिन्यू, तो और इसका फ़ैन अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर एक फ़ैन लगा होता है कूलिंग के लिए, अगर वो फ़ैन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो माइक्रो प्रोसेसर ओवर हीटिंग के कारण वो पूरा क्रैश हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर के साथ ये हीटिंग की प्रॉब्लम है। परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ डेटा, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो किस पर डिपेंड करती है, डेटा साइज़ पे। जैसे 4-bit का माइक्रो प्रोसेसर धीरे बहुत चलता था, अब 64-bit का है और इससे अच्छी स्पीड का हो गया है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेस करता है डेटा के साइज़ पर डिपेंड करती है। लार्ज बोर्ड साइज़ देन माइक्रो कंट्रोलर, तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो सिस्टम होता है या बोर्ड होता है वो थोड़ा बड़ा होता है साइज़ में। माइक्रो प्रोसेसर तो छोटा होता है, आईसी तो छोटी होती है, लेकिन इसका जो पूरा सिस्टम आप डेवलप करते हो, जो भी इसके साथ, जैसे कंप्यूटर की बात करो, कीबोर्ड लगाओ, प्रिंटर विंटर सब लगाओ, मतलब कीबोर्ड वगैरह एक्सटर्नल डिवाइस वगैरह यूज़ करो, तो पूरा सिस्टम बड़ा होता है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड जितने भी सिस्टम होते हैं वो छोटे से कॉम्पैक्ट होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम कहलाते हैं। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं माइक्रो प्रोसेसर के। लेकिन डिसएडवांटेजेस के कंपैरिजन में एडवांटेजेस ज़्यादा है, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर आजकल हर जगह यूज़ होते हैं। चंद्रलिता, आप मोबाइल्स में भी देख सकते हो, कंप्यूटर्स में इनके ज़्यादा यूजेज है। तो यही, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।